हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में झारखंड जीके के अंतर्गत आज हम जानेंगे 15 प्रश्नों के बारे में और आप इस वीडियो के माध्यम से खुद को सेल्फ असेस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और यह इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, 28, 32, 1 अथवा 16। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 16। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, साहेबगंज, गढ़वा, दुमका अथवा सिमडेगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए साहेबगंज। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ऑप्शन ए है नृत्य, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी मूर्तिकला अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए नृत्य। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध नृत्य से है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी अथवा दामोदर नदी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मयूराक्षी। कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। आज का पांचवा प्रश्न है, कार्तिक उरांव विश्व के किस प्रमुख परमाणु विद्युत संयंत्र के डिजाइनर में से एक थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों जादूगोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट अथवा पावर स्टेशन, हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा ऑप्शन है लुसाका न्यूक्लियर पावर प्लांट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट अथवा पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी श्यामगढ़, ऑप्शन सी देवघर अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रामगढ़। आज का सातवां प्रश्न है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले सम्मिलित हैं, 4, 5, 6 अथवा 7। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 5। दक्षिणी छोटा नागपुर में दोस्तों कुल 5 जिले सम्मिलित हैं। आज का आठवां प्रश्न है, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई है, 1, 3, 4 अथवा 5। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 1975 में, 1980 में अथवा 1985 में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1980 में। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में की गई थी। दसवां प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए अर्हता क्या है, वह कितनी अवधि के अंदर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए, 3 माह, 6 माह, 9 माह अथवा 12 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था, कैथोलिक मिशन, एसपीजी मिशन, रामकृष्ण मिशन अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस 11वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी एसपीजी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, साइमन मरांडी अथवा बाबूलाल मरांडी। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी, 1988 में, 1982 में, 1993 में अथवा 1997 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1988 में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, खूंटी, गुमला, जादूगोड़ा अथवा रामगढ़। इस 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामगढ़। आज का अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था, 1930 में, 1938 में, 1940 में अथवा 1934 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1938 में। 1938 में झारखंड में आदिवासी सभा का गठन किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।